देखो कैसे पहाड़ उठ रहे हैं उसके, देखना जगह जहाँ देखो चारों तरफ देखो समुद्र ही समुद्र, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ तक वो जा रही हूँ समुद्र ही समुद्र है। डिनर होता हुआ ठंडा हो गया लेकिन अच्छा है, फिर भी गर्म होता तो और अच्छा होता। सही है, गुरु का खाना ट्राई करना बनता है। रेटिंग जस्टिफाइड है, रेटिंग 4.5 ऐसे चलो ठीक है, ऐसे होगा। और देखिए गाइस, सामने से एक और क्रूज आता हुआ और उसके जस्ट बगल में एक बोट थी, इसने काफी बड़ा हॉर्न दिया उसको, तो काफ़ी देख रहे कैसे टर्न हो रहा है शेप, क्योंकि उसने एकदम शार्ट कट मारा है। बोट आ गई थी आगे सामने और इधर से हमारे वाला जा रहा था, तो ये हमारे वाला भी इधर को टर्न ले रहा है, तो अभी ये हमारे लेफ्ट साइड निकलेगा मेरे ख्याल से, तो लेफ्ट साइड से देखते हैं इसका व्यू। और देखिए एक शिप हुआ है, वो मतलब नॉर्मल प्राइवेट शिप नहीं है, वो है आर्मी का, किसी आर्मी का शिप है शायद। तो गाइस सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 हो गए और मैं तो हो गया ऑलरेडी, नहाया नहीं हूँ, सिर्फ मुँह धोया है, तो आज नहाएंगे घर जाके, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एक घंटे में हम पहुँचने वाले हैं। स्टॉकहोम रीजन तो आ ही चुका है, तो पोर्ट भी जल्दी आ जाएगा, एक घंटे तक पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए सुबह का नज़ारा, सभी लोग बाहर एकदम सुबह सुबह रेडी होकर धूप सेक रहे हैं ऊपर, तो मैं थोड़ा नीचे से आपको ये व्यू दिखाता हूँ, फिर ऊपर का दिखाई दिया मैंने आपको।
चलो चलो अब तो घर ही आ रहे हैं। बस बस अच्छा दिखना चाहिए। कल पूरा घूम लिया, ऐसे क्या अच्छा दिखना चाहिए। अरे कल को मम्मी ऐसा ना बोले ना, अरे कुछ नहीं किया, मेरी तो देख रेख नहीं की पापा ने वहाँ। तो ये वाली वीडियो पे आपको दिखा सकते हो, ये देखो ये कोट साफ कर रहा था मैं तुम्हारा। चलो तब तक आपका इंटरव्यू लेते हैं हम। अरे चश्मे लगाने दो। अरे कमरे के अंदर चश्मे। अरे स्टाइल है मेरी। स्टाइल। बाबू राव का स्टाइल। कैसा लगा क्रूज और तालिन ट्रिप? बहुत अच्छा लगा भाई हमें। और जो यहाँ की जो क्या कहते हैं पौराणिक वो थी, जो ओल्ड सिटी वो देखी, बहुत सुंदर हमें। एक वो था कि पता नहीं कैसा होता जहाज नया, एक नई वो सोच थी, तो हमें जहाज भी देखा, देखो इतना बहुत बड़ा भारी है, नौ मंजिल 10 मंजिल, और उसमें इतना बड़ा मैदान जहाँ सारी सेटिंग अरेंजमेंट है, और पूरा मॉल जहाँ मतलब बड़ी बड़ी दुकानें शॉप हैं। यार ये पहली बार देखा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और शहर कैसा लगा? और शहर इतना अच्छा लगा, जो आपने उसमें हमें ऐतिहासिक जो उनकी 13वीं सदी की 15वीं सदी की जो इमारतें हैं, जो उनके पूरा बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। और वहाँ का इंडियन फूड भी बहुत अच्छा खिलाया आपने। कोई ऐसा बताओ एक्सपीरियंस अलग सा जो याद रहेगा आपको वहाँ। हम छूट गए थे। वो दरअसल मेरे उस टाइमिंग के हिसाब से एक एक मिनट कम से कम एक दो मिनट के लिए तो हमें ऐसा लगा कि हम यही रुक गए, सामान भी गया। फिर क्या बोलते थे, प्लीज नो क्या। लेकिन बहुत सुंदर, अच्छा क्रूज में जो प्रोग्राम वगैरह थे बहुत सुंदर, बहुत डांसिंग में मजा आया, डांसिंग में भी मजा आया, गोरी मैनों के साथ बहुत सुंदर। मतलब ये समझो कि हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, इतना आनंद आया हमें, तो शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। चलो मतलब पैसा वसूल रहा पूरा ट्रिप का, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, आपने हमको मतलब यहाँ घुमाया, एक नया अनुभव और नया देश तो नहीं करती समुद्री यात्रा भाई, हमने हवाई यात्रा की, थल यात्रा की, और आपने जल यात्रा भी करा दी हमारी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग तालिन का समाप्त होता है। पहुंच गए हैं हम स्टॉकहोम वापस, ये देखिए लग चुका है हमारा शिप अपने पोर्ट पर। फोटोग्राफी सेशन फिर से आखिरी बार, मतलब आखिरी बार इस ट्रिप का, वैसे तो चलते ही रहेगा हर रोज। और ये पीछे शिप के साथ शिप लग चुका है, तो ये देखिए ये था हमारा शिप जिससे हम आए थे, काफ़ी बड़ा, वैसे इससे बड़े बड़े भी होते हैं क्रूज, बट ये भी काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों बस अब यहाँ से हम लेंगे अपनी मेट्रो घर के लिए और घर निकलते हैं। आज है छुट्टी है हमारी भी आज, तो देखते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करेंगे, और होपफुली क्या पता कहीं और का ट्रिप बन जाए, आई डोंट नो, देखते हैं। तो जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।